गाइस, तो कैसे चल रही है आप लोगों की आरआरबीपीओ की मेंस की तैयारी? अभी भी 10 दिन बचे हैं, बहुत टाइम है। 10 दिन में आराम से प्रैक्टिस हो सकते हैं, आराम से स्कोर इम्प्रूव हो सकते हैं अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओगे। एंड एक रियलिटी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था, मैं आपको उस चीज पे गाइड करना चाहती हूँ कि वो गलती आप लोग ना करें। आरआरबीपीओ में क्या हुआ था कि हम रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, इन सब सेक्शंस पे इतना फोकस करते हैं, इतना टाइम दे देते हैं कि कंप्यूटर के लिए टाइम ही नहीं बचता। और ये सच में मेरे साथ हुआ था, क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज तो 20 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन 40 आते हैं। उन 40 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमें लगा था शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, बट क्वेश्चन इतने लंबे लंबे थे कि उनको पढ़ने में टाइम लग रहा था। और मैं खुद लास्ट के 5-7 क्वेश्चंस तो पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि अब आप सोच सकते हो कि अगर मैं लास्ट के 8 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रही तो मेरे कितने मार्क्स का लॉस हो रहा है। और कंप्यूटर मुश्किल नहीं थी, कंप्यूटर का जो लेवल आता है, आप लोग ये सोच के मत चलो कि कंप्यूटर का लेवल हार्ड आता है, हार्ड नहीं आती, बेसिक आती है। बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके सिस्टम से रिलेटेड, उसके नेटवर्किंग से रिलेटेड, इन सब से बेसिक बेसिक ज्यादा से ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद करना है। और याद आप कैसे कर सकते हो? क्विज लगा के, टेस्ट लगा के, पीडीएफ पढ़ के। मैंने जो कंप्यूटर का जो मुझे बेनिफिट हुआ वो पीडीएफ से हुआ। पीडीएफ में जब बार बार आप सेम ही टाइप के उन क्वेश्चंस को देखते हो ना, तो याद होने लग जाते हैं। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, तो याद होने लग जाते हैं। फिर आपने क्विज लगाए, क्विज से फिर आपको और अच्छे से याद होने लगते हैं, क्योंकि आपको जो दो दो कंफ्यूजन होता है दो ऑप्शंस के बीच में, फिर वो क्लियर हो जाता है कि हाँ आंसर देखा, अच्छा ये है। क्योंकि कंप्यूटर में होता है ऐसा, थ्योरी होती है तो आपको डाउट आ जाता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है। तो कंप्यूटर को लाइट लेके मत चलना, और आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आरआरबी में काम आएगा, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर आरबी असिस्टेंट में भी काम आएगा, और भी कई एग्जाम होंगे, सब में काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, आरबी असिस्टेंट, आरआरबी। तो आप कंप्यूटर को प्लीज लाइट लेके मत चलो, ये गलती हुई थी। और लास्ट में कंप्यूटर के लिए भी टाइम रखना, क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हम टाइम नहीं दे पाते। और प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हो कि गाइडली ने अपना कंप्यूटर अवेयरनेस बंडल पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चंस देंगे, वीडियोस देंगे, पूरा आपका कंप्यूटर प्रैक्टिस कराई जाएगी वहां पे। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ₹110 का पैकेज है, आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, TAP12, तो 97 का पड़ेगा। 97 में अगर कंप्यूटर इम्प्रूव हो रही है तो एक अच्छा ऑफर है, आप इसको परचेज कर सकते हो। और प्लीज कंप्यूटर को लाइटली लेके मत चलना, उसको प्रॉपर मॉक टेस्ट में भी टाइम देना और उसको रियल एग्जाम में भी टाइम देना, क्योंकि ये गलतियां होती हैं। और कंप्यूटर की भी सेक्शनल कट ऑफ होती है, अगर 20 में से भी कंप्यूटर की कट ऑफ भी अगर 5 जा रही है सेक्शनल, तो भी आपको, आप सोच रहे हो कि आपको 10 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, उससे ज्यादा सही करने हैं, ताकि आप नेगेटिव अपने बैलेंस कर पाओ। तो इस चीज पे ध्यान देना। और जैसे कि विधि ने भी बोला था कि आप क्वांट के बारे में भी बताइए, तो मैं क्वांट के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट मैं आप लोगों के लिए फिर से बनाऊंगी नई वीडियोस। तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, आप अपनी क्वायरीज पूछते रहिए। थैंक यू।